दोस्तों, आखिर बिग बॉस 17 के घर की कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे के मुंह पर टेप क्यों लगाई हुई है? अंकिता लोखंडे का आखिर मुंह क्यों बंद कर दिया गया है? आखिर अंकिता लोखंडे की ऐसी क्या गलती है जिसकी वजह से यहाँ पर अंकिता लोखंडे के मुंह से एक भी शब्द अब नहीं निकल रहा है? आखिर क्या है पूरी खबर? क्यों लगाई है अंकिता लोखंडे के मुंह पर टेप? चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई है लेटेस्ट और बड़ी से बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को ये कहा था कि अब घर में पार्टी होने जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि घर में यहाँ पर बिग बॉस के अब बहुत सारे मीडिया वाले आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत सारे मीडिया वालों के घर में एंट्री होने वाली है। और वहीं साथ साथ आपको बता दें कि जहाँ मीडिया वाले सभी लोगों से बारी बारी से सभी बड़े बड़े सवाल पूछने वाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट के मुंह को टेप से बंद कर दिया है। कोई भी कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से इस टेप को नहीं हटा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया वाले जब कंटेस्टेंट से सवाल पूछेंगे तो यहाँ पर किसी के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि मीडिया वालों के सामने सभी लोगों को यानी सभी कंटेस्टेंट को यह कहा है कि उनके मुंह पर जो टेप लगी हुई है वो कोई भी हटा नहीं सकता। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अभी कहा यह जा रहा है कि जब मीडिया वालों के घर में एंट्री होगी और जब सभी कंटेस्टेंट के सामने मीडिया वाले होंगे तो यहाँ पर मीडिया वाले सभी कंटेस्टेंट से बारी बारी से एक एक करके सवाल पूछेंगे, और जिस भी कंटेस्टेंट से मीडिया वाले सवाल पूछेंगे उसी कंटेस्टेंट को यह हक होगा, उसी कंटेस्टेंट को यह कहा जाएगा कि आप अपने मुंह से यह टेप हटा सकते हो और जो मीडिया वाले सवाल दे रहे हैं आप उसके जवाब दे सकते हो। लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें कि जब घर के सदस्य यानी अगर अंकिता लोखंडे से सवाल पूछा गया और अगर वो जवाब दे रही होगी तो इसके बीच अंकिता लोखंडे को कोई भी बाकी कंटेस्टेंट रोककर अपना सवाल अपनी बात नहीं रख सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिलहाल दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।